केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे को सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने विधायक नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद नितेश राणे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। नितेश राणे पर शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर जानलेवा हमले में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में केस सिंधुदुर्ग में दर्ज हुआ है। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में दूसरे आरोपी मनीष दलवी को अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले 13 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र पुलिस ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब की हत्या के प्रयास के मामले में विधायक नितेश राणे की संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। पुलिस ने यह भी कहा था कि यह मामला किसी उपहास की घटना के कारण दर्ज नहीं किया गया है। सिंधुदुर्ग जिले की कनकौली पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक सुदीप पासबोला ने नितेश राणे की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त करने का अदालत से अनुरोध किया था। नितेश राणे ने पिछले महीने पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।